जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुहासरा कर दिया गया और ये खिलाफत का आखिरी आपका दौर है, 82 साल की उम्र थी उस वक्त, और ये तारीख का दर्दनाक बाब है कि हज़रत उस्मान गनी पर 40 दिन तक पानी बंद रहा। वो एक मंसूबा था, 3 लोग 3 मुख्तलिफ शहरों से चले, मिस्र से, कूफे से और बसरे से, 1,000 आदमी लेकर, और मदीनातुल मुनव्वरा में पहुँच करके हज़रत अलीउल मुर्तज़ा से मिले, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से मिले, किबार असहाब से मिले। तो जो उन्होंने कहा तो इन्होंने उनको कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फरमाइश करके वापस भेज दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला पर अकरबा परवरी का इल्ज़ाम आयद किया था, तो इन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। फिर ये था कि आपने कम उम्र गवर्नर, कम उम्र लोग मुकर्रर किए, तो हज़रत उस्मान ने कहा कि हज़रत उसामा भी तो कम उम्र थे, हुज़ूर ने उनको अगर मुकर्रर किया है तो ये तो मिसाल हमारे सामने मौजूद है। लेकिन ये एक मंसूबा था, उस मंसूबे के तहत ये 3 जगहों से लोग आए थे, वो 3 दिन की मुसाफत के बाद फिर तीनों वापस आ गए। तो ये एक सवालिया निशान है कि तीनों क्यों वापस आ गए, कोई एक तो ना आता ना, तो ये सब तयशुदा मंसूबा था। और फिर उन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा को घेर लिया, और जिस तरह से बलवाइयों ने हालात पैदा कर दिए, सैयद अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो शहर मदीना से बाहर तशरीफ़ ले गए थे, और अपने बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उस्मान गनी के दरवाज़े पर मुकर्रर किया था कि उनको ज़रर ना पहुँचने देना। अब 700 सहाबा इजाज़त तलब कर रहे हैं कि आप इन बुलवाइयों से निपटने का में हैं, जो है वो इजाज़त नामा मरहमत करें। और बहुत सारे लोग तो हज पे जा चुके हैं, 18 ज़िलहज का वाक़ है जब आपकी शहादत होती है, तो वो हज पे जा चुके हैं, तो जो यहाँ मौजूद हैं वो इजाज़त तलब कर रहे हैं। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैं ऐसी इजाज़त नहीं दूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम शहर मदीना लोगों के खून से लालाजार हो, ये मैं इसको गवारा नहीं करता। अफवाज मौजूद है, और दुनिया की तारीख में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इतनी बड़ी हुकूमत किसी के पास हो और वो खुद घेर लिया जाए, उसका पानी भी बंद हो जाए, और वो हुक्म दे के नहीं, मेरे लिए आप एक कतरा भी खून नहीं बहाएंगे। बल्कि आपके गुलामों ने जब तलवारें उठा ली तो आपने फरमाया कि मेरा हुक्म है कि तुम तलवारें नीचे रखो, बल्कि मैं तुम्हें ये ऑफर देता हूँ कि जो गुलाम लड़ेगा नहीं और ये मेरे सेहत करता है वो आज़ाद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हालांकि ये पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे, तालीम व तालुम से इनका ताल्लुक था, लेकिन वो भी तलवार लेके हज़रत उस्मान गनी के दफा में आ गए। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हज़रत उस्मान गनी रोक देते। मालिक बिन उश्तर कहने लगा कि हम आपकी दस्तबरदारी के ख्वाहां हैं, आप खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार कर लीजिए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस जानिसार सहाबी ने, हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया ये नहीं हो सकता, दस्तबरदार क्यों नहीं हुए, लगता था ये सबसे ज़्यादा आसान था। लेकिन हुज़ूर ने इरशाद फरमाया था, ए उस्मान, तुम्हें अल्लाह एक कमीज़ पहनाएगा, लोग उसको उतारना चाहेंगे, तुम कभी ना उतारना। तो इससे मुराद खिलाफत की कमीज़ है, और उनकी शहादत की खबर भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दी थी, और अगर आप दस्तबरदार हो जाते तो ये एक खिलौना बन जाता, बाजीचा बन जाती खिलाफत, चंद आदमियों के प्रेशर से खिलाफत से दस्तबरदारी करना पड़ती। अच्छा, एक ये सवाल भी पैदा होता है, चंद बागी थे, उनको किस तरह कुचल दिया जाता। लेकिन हज़रत उस्मान गनी ये नहीं चाहते थे, एक तो ये कि मदीने की हुरमत पामाल ना हो, और दूसरा पूरे आलम इस्लाम को आग लगाने का जो मंसूबा था, 3 मुख्तलिफ शहरों से 1,000 आदमी लाया गया एक मंसूबे के तहत, और उन्हें लाशें चाहिए थी, और जो उनके पीछे काम कर रहे थे नादीदा हाथ, उनका मंसूबा ये था कि यहाँ से मुख्तलिफ सिमतों में, ये तीनों शहर मुख्तलिफ सिमतों में थे, तीनों सिमतों में जब लाशें जाएंगी तो पूरे आलम इस्लाम को हम जो है वो खाना जंगी की आग में धकेल सकेंगे। तो हज़रत उस्मान गनी इन साजिशों से आगाह थे, तो सबसे आहवन और आसान ये था कि कुर्बानी पेश कर दी जाए, और फिर उन्होंने सुन भी रखा था कि 2 शहीद हैं, शहीद तो उन्होंने बहरहाल होना है, तो लिहाजा मैं खिलाफत से दस्तबरदार भी नहीं हूँगा और शहर मदीना की हुरमत भी पामाल नहीं होने दूंगा।
और तीसरी बात यह है कि मैं ख़ुद मज़लूम शहीद कर दिया जाऊँ, तो आपने ये गवारा कर लिया। तो 18 ज़ुल्हज था, जुमे का ही दिन था, और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रोज़े से थे, असर का वक्त था, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और दीगर लोग आपके दरवाज़े पर पहरा दे रहे थे, लेकिन बागी पिछले घर से दीवार फलांग के आपके घर में दाखिल हुए और तलवार से वार किया। आपकी जौजा हज़रत नाइला आगे बढ़ी और हाथ से रोकना चाहा, आपकी उंगलियां कट गईं। फिर दूसरा वार किया तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दायां हाथ कट के गिर गया। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अफसोस किया और कहा कि तुमने वो हाथ काट दिया जिससे मैं वही की किताबत किया करता था। फिर उसके बाद आप पर 9 वार किए गए और आपको शहीद कर दिया गया, और आपका खून कुरान मजीद पढ़ते हुए इस आयत पे गिरा, फसा यकफी कहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मज़लूम शहीद किए गए, भूखे और प्यासे शहीद किए गए, जुल्मन शहीद किए गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर फितनों का जिक्र कर रहे थे कि फितने होंगे, बहुत बड़े फितने होंगे। तो एक शख्स ने चादर ओढ़ी हुई थी और वो मजलसे वास के करीब से गुजरा जहाँ हुजूर कुछ इरशाद फरमा रहे थे, तो आका करीम ने इशारा करके कहा उस दिन ये शख्स हक पे होगा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं उठा और जाके देखा तो वो हज़रत उस्मान थे। तो मैंने हज़रत उस्मान के चेहरे को पकड़ के थोड़ा सा हुजूर की जानब किया और मैंने कहा हाजा हुजूर ये, अल्लाह के महबूब मैं हाँ यही, जब फितने होंगे तो फरमाया ये हक पे होगा। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हक की राहों के मुसाफिर, जिन्हें हुजूर की ज़ुबान से शहीद कहा गया, और शहीद किसी का अंजाम होता है, तो हुजूर ने फरमाया ये शहीद होगा। शहीद वही होता है जो बहालते ईमान इस दुनिया से राह खुदा में अपनी जान कुर्बान करे। फरमाया फ़इन्नमा अलैका नबीयुन व सिद्दीकुन व शहीदान, ए पहाड़ रुक जा, तू जानता नहीं तेरे ऊपर अल्लाह का एक नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद है। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अज़मतों के मीनार, अल्लाह अकबर। तो ये हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये कारनामा था कि आपने अपनी जान पेश करके उम्मत को जो है वो फितनों से महफूज कर लिया और उम्मत को बचा लिया। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पे करोड़ों रहमतें, करोड़ों सलाम। हम आपकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं, अकीदतों का खिराज पेश करते हैं। हुजूर की खिदमत में एक जनाजा लाया गया और हुजूर से अर्ज़ की गई हुजूर इस शख्स का जनाजा पढ़ा दीजिए, तो हुजूर ने इनकार कर दिया, कहा मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, कभी माजी में ऐसा नहीं हुआ, जब भी कोई जनाजा लाया जाता है तो आप जनाजा पढ़ा देते हैं और आपने आज इनकार कर दिया। तो फरमाया ये शख्स मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता था और इसको अल्लाह ने भी अपनी रहमतों से महरूम कर दिया है। हुजूर ने उस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाया जो मुबग़िज़े उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए वो कितना बदबख्श शख्स है जो हज़रत उस्मान से बुग़्ज़ और दुश्मनी रखता है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कितनी खूबसूरत इरशाद फरमाई, मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। यानी उस्मान गनी वो हैं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, और जो उस्मान गनी का हया नहीं करता उससे बड़ा बेहया कौन हो सकता है। हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर रिवायत जिक्र की है कि बहुत सारे सहाबा हुजूर की बहुत सारी खूबियों के मजहर थे और सबसे ज़्यादा हुजूर के खुलक के मुशाबे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, और खुल्क में सबसे ऊंचा दर्जा हया का होता है। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने हया के उस मुकाम पे फ़ायज़ुल मराम थे जो उन्हीं का मकसूम था। अल्लाह हमें हुजूर के अहले बैत, हुजूर के असहाब, बल्कि हुजूर के दर की मिट्टी की तज़ीम भी नसीब करे। इकबाल ने कहा था खाक तैबा अज़ दो आलम खुश तरस्त, आँ खुनक शहरे के आंजा दिल बरस्त। हमें तो तैबा की मिट्टी भी अच्छी लगती है इसलिए कि वहाँ महबूब जो रहते हैं। तो मोहब्बत तो इस चीज़ की मुतकाजी होती है, महबूब की राहों को भी सलामी पेश की जाए। तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब इतनी वकी नस्बतें हैं उनका एहतराम क्यों नहीं करेंगे। तो हज़रत उस्मान गनी तो दामाद रसूल हैं, हज़रत उस्मान गनी तो नूरैन हैं,
हज़रत उस्मान गनी तो हुजूर अलैहिस्सलाम के महबूब और हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे हैं, उनको जन्नत की बशारत दी गई है, अशरा मुबशरा में से हैं, चार जलीलुल कदर खुलाफा में उनका नाम शामिल है, और फिर हुजूर की दो साहबजादियाँ उनके निकाह में, आका करीम ने उनको शहीद खुद करार दिया, और मेरे और आपके आका मौला ने कहा आज के बाद कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं देगा, और कहा उस्मान से मैं हया क्यों ना करूँ, इससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते।